महर्षि बृहस्पति, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यज्ञ भाग के बंटवारे में दानवों के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। कारण? कारण दानव लोग स्वभाव से क्रोधी, वासना भोगी, नास्तिक और निर्दयी है। बृहस्पति जी, यह अन्याय हो रहा है। देव और दानव दोनों एक ही पिता की संतान है। तो आप क्या चाहते हैं शुक्राचार्य जी? अन्याय का खंडन, न्याय का प्रतिपादन। तो क्या हमारे इस निर्णय में आपको घोर पक्षपात दिखाई दे रहा है? किस दृष्टि से? भेदभाव की दृष्टि से। भाई भाई में भेदभाव डालकर आप जगत कल्याण की आशा नहीं कर सकते। जगत कल्याण? वो भी दानवों से? अधिकार का उन्माद अभिमान पैदा करता है, सत्ता और महत्ता का मद भान भुला देता है। यह अपमान केवल मेरा ही नहीं पर सभी देव ऋषि और राजराजेश्वर इंद्र का भी है। तो अपमान की आग को न्याय के दान से बुझा दीजिए। जिस ऊंचे स्थान पर बैठे हैं उसकी आन और शान रखिए, शुक्राचार्य की उचित मांग का मान। तो आज से ही मैं दानवों को ऐसी शिक्षा दूंगा कि वो तुम्हें सत्ताहीन, सामर्थ्यहीन, संपत्तिहीन बना सके। आपकी धमकियां हमें हमारे निश्चय से नहीं दिखा सकती। मैं अपने वचन से दानवों का संहार करूंगा और मैं अपनी संजीवनी विद्या से मरे हुओं को जीवित करूंगा। देवदानों का युद्ध होगा और इसी इंद्रासन पर मैं अपने शिष्य को बिठाऊंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा। पराजित प्रजा को उत्सव मनाने या आनंद का जयघोष करने का वही अधिकार। क्यों? फिर हमें वो अधिकार कैसे मिलेगा गुरुदेव? नाभ ना करने के लिए कहूं, महाराज विरोचन और तुम लोग उसका पालन करो। तैयार हो? हम तैयार हैं। देवताओं के पास ऐसा क्या है जो दानों के पास नहीं? सुरा सुंदरी और रंग राग को त्याग दो। देवताओं के साम्राज्य पर संगठित आक्रमण करने का निश्चय कर लो। आप कहेंगे उसका पालन होगा। प्रत्येक दानव आपके इशारे पर जीवन का बलिदान देगा। प्राण देने से ही सिद्धि नहीं मिलती। कल की बात आज करो, आज की बात अभी। आप अपनी भावना साफ साफ कहिए गुरुदेव। अभी कोई तेजस्वी पराक्रमी 32 लक्षण युक्त बालक मेरे चरणों में रखो। 32 लक्षण युक्त बालक? हाँ, तलवार की धार पर चल सके ऐसा, भयंकर कसौटी पर चढ़कर पत्थर से पारस बन सके ऐसा, विश्व का विजेता बनने के लिए शस्त्र शास्त्र से विचलित न हो ऐसा। मैं तैयार हूँ गुरुदेव। तुम? हाँ पिताजी, मैं किसी बात में पीछे नहीं हटूंगा। तो ये रहा गुरुदेव, मैं दानवपति विरोचन अपने प्यारे पुत्र बलि को आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, जो कि ये दानव कुल धर्म के अनुसार विवाहित है। फिर भी विद्याभ्यास में नवय न च लिंगम, जातीय अवस्था नहीं देखी जाती। गुरुदेव को प्रणाम करो बलि। दानवों की प्रतिज्ञा और विश्वास के प्रतीक इस बालक को मैं आज से अपना शिष्य बनाता हूं। बोलो दानवों के प्रथम इंद्र बलि की जय। आप ही हमारे उद्धार का रास्ता तय करा सकते हैं गुरुदेव। गुरु और शिक्षक तो केवल रास्ता दिखाते हैं, किंतु उस पर चलने की शक्ति तुम में होनी चाहिए। प्रेरणा हमारी, पुरुषार्थ तुम्हारा, शिक्षा हमारी, कर्तव्य तुम्हारा, धनुष बाण हमारा, निशान तुम्हारा। विरोधी तत्वों से बचने के लिए देश और जीवन की प्रत्येक दिशा पर पहरा रखो। नम्रता का उत्तर नरवीर की नम्रता से दो,
और तलवार का उत्तर तलवार से। हार से हताश न हो, शरीर को सुदृढ़ बनाओ, शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली बनो। दिनों की मेरे हृदय की अधूरी आशा को पूर्ण करने के योग तुम हो गए हो। अब अपने कर्तव्य पथ पर चलने की तैयारी करो। तो क्या मुझे यह आश्रम छोड़ना पड़ेगा? आने वाली गुरु पूर्णिमा का मंगल पर्व तुम्हारे विद्याभ्यास का अंतिम दिन होगा। गुरु सेवा का सौभाग्य इतनी जल्दी न छीनिए गुरुदेव। इस सेवा धर्म से भी बढ़कर कोई दूसरा महान धर्म तुम्हें दस दस वर्ष से पुकार रहा है। किसकी है वो पुकार? तुम्हारे प्रजाजनों की। क्या चाहते हैं वो लोग? तुम्हारी सरदारी, तुम्हारी नेतागिरी, तुम्हारा मार्गदर्शन। किस लिए? सर्वोदय के लिए। युग युग से देवताओं द्वारा झुकाए हुए मस्तक को ऊंचा करने के लिए। क्या प्रजा कायर और पामर बन गई है? नहीं, बना दी गई है। हाथ है पर हथियार नहीं, हौसला है पर हिम्मत नहीं, संगठन है पर संकल्प नहीं, बल है पर बुद्धि नहीं, अभिलाषा है, जोश है पर कोई नेता नहीं। तुम जैसा बुद्धिशाली कोई अग्रणी नहीं। गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे शक्ति और सद्बुद्धि दे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम देवताओं पर भी विजय प्राप्त करो। सुयोधन, आजा गुरुदेव। आने वाली गुरु पूर्णिमा के दिन युवराज बलि को विदाई देने की तैयारी करो और जाकर दानवराज विरोचन को इस शुभ बधाई की सूचना दे दो। जारी 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 आकाश की राजा जारी सारे जग में बजा दे ढिंढोरा बजा दे रे ढिंढोरा सजन कल आई भानूरा सजन कल आई भानूरा जारी जारी आकाश की राजा जारी मैं करूंगी प्यार मैं ना करके प्यार भी अपनी जिंदगी का दीदार।
आकाश के राजा जारे सारे जग में बजा दे झिंझूरा बजा दे रे झिंझूरा सजन कल आए दानूरा सजन कल आए दानूरा राजा जारे जारे आकाश के राजा जारे राजा जारे राजा जारे भाग्यशाली नगरजनों दैत्य को कभी नहीं मिलने वाली विद्या पाकर राजकुमार बली पूर्णिमा के दिन दैत्य नगरी में प्रवेश करके दानों की दुनिया में प्रकाश फैलाएंगे। प्रजा के उस भाग्य विधाता के भव्य सत्कार के लिए धरती तो धरती आसमान तक तुम्हारा स्वर पहुंचाओ। उनके आने की खुशी में मुंह मांगा दान देकर महाराज विरोचन दान यज्ञ कर रहे हैं। आज नगर के घर घर महोत्सव मनाया जा रहा है और मेरे मन में होली जल रही है। मैंने कौन सा पाप किया है कि पति के होते हुए मैं विधवा जैसे घर पर रहती हूँ। अरे बेटी सोना तू क्यों रो रही है? मेरे जीते हुए तुझे किसी बात की चिंता नहीं। चाचा जी मेरी सभी सहेलियां ससुराल चली गई हैं और मैं मैंने तुझे हजार बार कह दिया है कि ससुराल जाने की बात मत कर। उसने मुझे दगा दिया है। तुम्हारे लिए सवामन सोने का जेवर लाने का जब उसने मुझे वचन दिया तब मैंने तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दिया। अब बातें बनाता है जो था कहीं का। चाचा जी वो ऐसे नहीं है। वो कैसे भी है? मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरी सोना को सवामन सोने से सजी हुई मैं देखूं। प्रजाजनों आप लोगों के राजकुमार बलि विद्या प्राप्त करके आज घर आ रहे हैं। इसका प्रसंग हम लोगों के लिए और क्या हो सकता है? इस प्रसंग को मैं अमर कहूंगा। अपनी प्रजा को मुंह माना दान देकर महाराज विरोचन की मांगो। जिसे जो कुछ मांगना हो बिना संकोच के मांगो। विरोचन का तन मन धन सब कुछ दान के लिए तैयार है। आओ आओ। लो, आज मेरा पुत्र बलि आ रहा है। मुझे बहुत खुशी है। क्या है? तुम्हारा काका कहाँ है? महाराज विरोचन के यहाँ दान मांगने गया है। अरे तुम भी महाराज के पास जाके सवामन सोना दान में मांग लाना। अरे पगली दान देने वाला कभी दान लेता है? तुमने किसको दान दिया है? तुमको दिन का दान। उस दान से घर में दाना नहीं आएगा। तुम आओगी तो सब कुछ आ जाएगा। नहीं पहले सोना। पहले तुम। पहले सोना। अरे बातों में वक्त मत बिगाड़। चल मेरे साथ चलो। मैं कहता हूँ चलो। कहाँ ले जा रहा है इसे? तुमने मुझे जुटा रखा पर आप बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं जाने दूंगा। अरे ये जमाई है या दसवां ग्रह है? मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। हाँ हाँ मैं जान लेकर ही छोड़ूंगा। अब ये जा जा। मैं जा तो रहा हूँ पर शाप देता जा रहा हूँ कि सुसरों और सालों का सर स्वयं जवाई के सामने नीचा रहे और जवाई दसवां ग्रह बनकर उनकी गर्दन पर सवार रहे। अरे जा जा आया बड़ा शाप देने वाला। सुंदरियो सच बताओ इस जीवन में विलास के सिवा और है क्या? नारायण नारायण। बधारिये मुनिराज कहिए कैसा चल रहा है त्रिलोक का तंत्र? जरा दैत्य नगरी की ओर गए। वाह वाह बहरे दानव लोग वाह। कहीं शूरवीरता देखी तो कहीं देवताओं से लड़कर स्वतंत्र होने की तमन्ना देखी पर अप्सराओं का नाच देखने को कहीं नहीं मिला इसलिए यहाँ आया हूँ।
उपदेशना दीजिए मुनिराज, उद्देश्य समझाइए। इंद्रासन पर अपने शिष्य को बिठाने की शुक्राचार्य की प्रतिज्ञा को भूल गए इंद्रराज? शुक्राचार्य का शिष्य पहले इंद्रासन पर बैठने के योग्य तो हो जाए। ये न भूलिए इंद्रराज, बलि शुक्राचार्य के आश्रम से ज्ञान धीरता वीरता और तप की ताकत लेकर लौट रहा है। दानवों की ताकत इंद्र से टकराएगी तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ये तो आप जाने, मैं तो केवल चेतावनी देने आया हूँ। विरोचन दान यज्ञ कर रहा है और दान का फल तो आप जानते ही हैं। दान यज्ञ, दानवों के दान यज्ञ में विघ्न डालना ही चाहिए, उगते हुए शत्रु का नाश करना ही चाहिए। ले जाओ मेरे प्रजाजनों, जी भर के ले जाओ। सैनिक आज्ञा महाराज, देखो तो कोई बाकी नहीं रहा। महाराज हमें जो चाहिए वो मिला नहीं। तो मांगो, मांगने की ही देर है। दासी, हम धन के भूखे नहीं। तो भोजन कीजिए। भोजन की भी भूख नहीं है। तो वस्त्रालंकार? शरीर पर जितने वस्त्र हैं, साधु के लिए उतने ही बस हैं। तो फिर किस वस्तु की भूख है? हमें वो भिक्षा नहीं चाहिए जो आप दे रहे हैं, जो हम मांगे वो मिलेगा। मांगो तो विरोचन दान में अपना मस्तक भी दे सकता है। तो राजन मुझे आपका मस्तक चाहिए। शांत महामंत्री, इच्छा अनुसार भिक्षा मांगने का उसे अधिकार है और मुझे देने की मंग है। भिक्षुक फैलाओ अपनी झोली, ये रहा विरोचन का मस्तक। इंद्रासन का अधिकारी भी एक मामूली सा भिखारी है। कहीं इंद्रासन भीख में तो नहीं मिला इंद्रराज? इंद्र और भिखारी करो। दगाबाज, मारो, जान से मारो। ठहरो, दानवों के हथियारों को भिखारी की मौत से लज्जित न करो। हाथ में आए हुए शत्रु को छोड़ देना मूर्खता है। नहीं, ये महानता है। देव लोग देवत्व भले ही छोड़ें, पर दानव दिलेरी नहीं छोड़ेंगे। सैनिकों, इस भिखारी को संभाल कर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो, नहीं तो प्रजा इसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। राज तिलक से पहले रथ तिलक लगाकर पिताजी के घर के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि इंद्र को इंद्रासन से हटाकर संसार को यह दिखा दूंगा कि बाप का बदला बेटे ने बराबर चुकाया। देख मेरे नैन
लगे घूमने सब मतवाले, लगे घूमने सब मतवाले। मैं करूँ सदा मनमानी, नाम है मेरा चमक चांदनी, चमक 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 चांदनी। मैं ही तारों की रानी, नाम है मेरा चमक चांदनी, चमक 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 चांदनी। अभिमान के आवेश में गुरु का स्वागत करना भी भूल गए। आज तो मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ गुरुदेव। तो भोग विलास में अपने आप को भूल जाने वाले शिष्य का गुरु बनकर रहने में मैं अपना अपमान समझता हूँ, किंतु जाते जाते इतना कहकर जाता हूँ कि बलि अपने बाप का बदला चुकाए बिना कभी चुप नहीं बैठेगा। ये महानाथ हो रहा है महाराज, किसी भी तरह आप गुरु जी को मना लीजिए। अरे जाने दे, गुरु के बिना अपना कोई काम नहीं रुकने वाला, एक जाएंगे असंख्य मिल जाएंगे। उर्वशी तिलोत्तमा मेनका रंभा नाचो गाओ, दानव लोग भले ही पैर की ज्वाला में दिन भर जलते रहे और रात भर जागते रहे। जो होना था वो हो चुका, अब सोचने से क्या फायदा। बिंदिया, राज सिंहासन पर बैठने से पहले पिता के रक्त की धारा बही, राज तिलक के बदले रक्त तिलक लगा। वहां क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं आने वाली जवाबदारी, कल से मुझ पर अंधविश्वास रखने वाली दानव नगरी को देख रहा हूं। कल की चिंता आज अभी से। बिंदिया, तुम जानती हो कि मैं दानव प्रजा का पालनहार, प्रजा का कल्याण मेरा कर्तव्य है, फिर कल की बात कौन जाने। ये आप क्या कह रहे हैं, कल तो आपका राज्याभिषेक होगा, कल से मेरे स्वामी महाराज कहलाएंगे। और तुम महारानी? उसके बाद मैं इंद्रासन जीतूंगा, उस पर अपनी महारानी बिंदिया को बिठाऊंगा। मुझे इंद्रासन नहीं, केवल आपका हृदय आसन चाहिए। चलिए आराम कीजिए, अब आपको नींद आ रही होगी। नींद? अब नींद कहां, राजा तो प्रजा की शांति रूपी अमानत का रक्षक है, उसे तो हमेशा जागते रहना चाहिए। तो साथ साथ रानी भी जागती रहेगी। अगर राजा और प्रजा दोनों जागते रहे तो त्रिलोक की कोई भी शक्ति उनके सामने नहीं टिक सकेगी। बिंदिया, मैं आपकी सफलता के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगी। राजन,
अब प्रजा की प्रार्थना सुनिए। कहिए, प्रजा की प्रार्थना सुनने के लिए मैं हर समय तैयार हूँ। अब दानव प्रजा जगत के कीड़े मकोड़े बनकर अपना जीवन को चलवाना नहीं चाहती। प्रजा चाहती है पर्वत की तरह सर उठाकर संसार में सबसे ऊंचे स्थान पर रहना। और भी कुछ चाहती है प्रजा? बदला। बदला तो मिलेगा, परंतु रक्त से लगा हुआ। भक्त राज प्रहलाद, भक्ति के रंग में रंग कर आपने अपने हृदय को दुर्बल बना लिया है। संकल्प और शक्ति को मारकर पर्वत बना देने वाली भक्ति आप अपने पास भी रखिए। सभी अपने अपने मन के मालिक हैं, फिर भी त्रिलोक के मालिक ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें। आप ईश्वर की आरती कीजिए, हम आहुति देंगे। आप मंजिरा बजाइए, हम शुद्ध गंगा बजाएंगे। आप माला फिराइए, हम तलवार फिराएंगे। तलवार फिराने के बजाय मन को अहिंसा की ओर फिराइए। दानवों के लिए एक ही मार्ग है और वो है युद्ध, हिंसा, देवताओं की हत्या। हिंसा के मार्ग से कोई भी व्यक्ति या प्रजा सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकती। परम शांति और जगत कल्याण का एक ही मार्ग है, अहिंसा। बलि, तुम क्या चाहते हो? देव दानव का युद्ध, संग्राम। तो संग्राम की तैयारी करो, निर्भय होकर आगे बढ़ो, स्वर्ग पर आक्रमण करो। विजय तुम्हारी है। जाइयो, तुम कौन हो? जो तुमने कहा वही। यानी चंद्री? पर ये तो बताओ, कहाँ से आई हो, किस लिए आई हो, कैसे आई हो, पैदल आई हो या चल के आई हो? हम स्वर्ग से आए हैं, विहार करने के लिए। विहार करने के लिए? तुम्हें मालूम न था कि ये महाराज बलि की सरहद है? विहार करने से पहले तुम्हें विचार करना चाहिए था। तुम्हारे स्वर्ग में इससे काम नहीं लेते क्या? ले चलो इन्हें। नहीं 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 नहीं, इन सुंदरियों का न्याय करने के लिए कोई सुंदर से सुंदर न्यायाधीश बुलाना पड़ेगा। अभी बुलाता हूँ। वो देखो आ गए, आप ही के वतन के लोग आ गए। आइए आइए। अपने अंदर महाराज से कहना कि संग्राम की तैयारी करें, बाद में कहीं ये ना कहें कि पहले से खबर तक नहीं भेजी। तुम्हारी ये बुरी दशा किसने की? दानवों ने। उनका इतना साहस? हाँ हाँ देवराज, हम पृथ्वी पर विहार करने गए, वहाँ पर दानवों ने आपका अपमान करने के लिए हमारी ये हालत की। इतना ही नहीं, साथ साथ लड़ाई का संदेशा भी भेजा है। लड़ाई का संदेशा? मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला चुकाने के लिए सारी दानव जाति का इसी वजह से संहार करूंगा। और शुक्राचार्य जी सबको जीवित करेंगे। इंद्रराज, संजीवनी विद्या के सामने तुम्हारा वज्र बेकार। जिलाने वाला हो तो मारने वाला मार मार कर स्वयं मर जाता। तो आप ही को मार्ग बताइए मुनिराज। मार्ग मैं क्या जानू, विष्णु भगवान की प्रार्थना कीजिए। संजीवनी विद्या के सामने टक्कर लेने वाला तत्व वही बताएंगे। तो चलिए क्षीर सागर के किनारे। नारायण सेनापति, प्रजा में युद्ध के लिए उत्साह कैसा है? प्रजा युद्ध के लिए पागल हो रही है महाराज। और सैनिक गण तैयार होकर आपकी आज्ञा की राह देख रहे हैं महाराज। शस्त्र दुश्मन का खून पीने के लिए तरस रहे। तो फिर बाकी क्या? हर पर चढ़ाई महाराज। शाबाश, अब थोड़े ही दिनों में दानव लोग स्वर्ग पर चढ़ाई करेंगे।
महाराज मेरे लिए कोई आज्ञा? इंद्रासन पर बैठने के लिए तैयार रहो। प्रभु आपको इंद्रासन का अधिकारी बनाए, परंतु लड़ाई से घोर रक्तपात होगा, लाखों की जिंदगी नाहक नष्ट हो जाएगी। देवता लोग इतने भोले नहीं जो अपने आप इंद्रासन दे दें। देवता भी अपने भाई हैं, फिर भाई के हाथ से भाई का कत्ल किया? बाप का सर उतार देने वाला भाई भान भूल गया, बिना युद्ध के उसके होश ठिकाने नहीं आए। शांति प्रिय भगवान को कभी युद्ध मंजूर नहीं होगा। शांति से देवताओं को समझाइए और उनसे अपना हक मांगिए। हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। जैसी आपकी इच्छा, प्रभु आपका सपना पूरा करे और उसके लिए मैं नित्य प्रार्थना करूंगी। प्रार्थना? भगवान दानवों की प्रार्थना नहीं सुनते, किंतु देवताओं की प्रार्थना सुनने का उनका स्वभाव पड़ गया है। Ah,
के किनारे आजा, सत के रखवारे आजा, सागर के किनारे आजा, सत के रखवारे आजा, सागर के किनारे आजा, सत के रखवारे आजा, सागर के किनारे आजा। अमर बनाने वाला अमृत तो सागर की तलेटी में है, दानवों का सहकार लेकर समुद्र मंथन करो। विंध्या, तुम अपने पति को समझाओ, प्रजा कल्याण का सच्चा मार्ग शांति, संग्राम की पहला ऊंचा होता है। वैर भूल जाओ, वैर लेना मेरा काम, देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो। मंथन देव दानव और मानव के लिए एक ही महामंत्र, मंथन श्रम मेहनत, जिसका फल सदा के लिए मीठा होता है। देवताओं को दगा देकर यह अमृत कुंभ यहां उठा लाए, यह तुमने अच्छा नहीं किया, इसमें देवताओं का भी बराबर हिस्सा है। सेनापति, आज्ञा महाराज। देवताओं को संदेशा भेज दो कि वो अमृत पीने के लिए दानवों के दरबार में पधारें। महाराज, क्या है? यही कि पहले अमृतपान आप करें, बाद में हम सब बड़े बड़े सेनापति लोग, इसके बाद कुछ बचे तो देवताओं को दे देंगे। राजा को राज करना आता होगा तो मर के भी अमर हो जाएगा। राज्य के बड़े लोग प्रजा हित के लिए ऐसा काम करें कि वो सदा के लिए अमर हो जाए। यो शंभु, सुना तुमने? मुझे किसी का कुछ भी नहीं सुनना, अमृत को मैं लाया हूँ, मैं ही पीकर रहूंगा। तू अमर बन के क्या करेगा? शक्तिशाली जिए तो दूसरे को भी जिलाए। तो शक्तिशाली मैं हूँ। आया बना शक्ति वाला। तुम शक्ति वाले हो। अमृत मैं पीऊंगा। खैर, झगड़ तो क्यों हो फिर गुरु? देवी, आप कौन हैं? कहां से आई हैं? क्यों आई हैं? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप जिलाए तो जिए, वरना हम आपके लिए मर भी सकते हैं। मैं हूँ शांति की देवी, दानव पर प्रसन्न हुई हूँ। तो आप क्या चाहती हैं? झगड़े का अंत, अमृत का बराबर बंटवारा। तो देवी जी, ये रहा अमृत को, आप भी अपने कोमल और सुंदर हाथों से बांध दीजिए। ठहरो, दानव कुल के मर्द मर नहीं गए, एक अनजान स्त्री को पटवारा करने का भार सौंप रहे हो। विश्वास ना हो तो रहने दीजिए, मैं ये चलूं। नहीं नहीं, देवी जी ही बांटेंगी, मुझे इस पर पूरा पूरा विश्वास है। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तीसरे पक्ष ने आज तक किसी का कल्याण नहीं किया, तुम लोग पति। सच है, मुझ जैसी साधारण स्त्री पर आपने आय का भार क्यों डाले हैं? विवेक के पुरुष कभी स्त्रियों का विश्वास नहीं करते। नहीं नहीं देवी जी, आप रूठिए मत, हम तो आपके ही हाथ से अमृत पिएंगे। तो मैं एक शब्द से अमृत बांटूंगी। कहिए कहिए, वो क्या है? मैं उसकी किया अनुचित पुष्टि करूँ, पर आप में से कोई भी विरोध की आवाज ना उठाए। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। तो आइए। Thank you.
पवित्र होकर समुद्र के किनारे आइए, मैं आप लोगों को वहीं मिलूंगी। Thank you.
की निरादारी पर हंसने वाले को जवाब दो। उठो। मेरे वज्र के वार से चुप हुआ बलि कभी नहीं बोल सकेगा। मैं इन्हें बुलवाऊंगी। मैं अपने प्राण देकर के इन्हें प्राण लाने की हिम्मत रखती हूँ। तो देखो मैं अभी इसके सिर और धड़ दोनों को अलग अलग किए देता हूँ। सौभाग्य को सजाने वाले कंगन, यदि तुम में ऐसे संभालने की शक्ति है तो जा इंद्र के अस्त्र को चूड़ी का चमत्कार दिखा। सिंधु की शक्ति भी देख ले। परीक्षा करने का विचार छोड़ दो। तो क्या एक स्त्री से हार मानकर मैं वापस चला जाऊं? सती के सामने तो मैं भी अपने मस्तक झुकाता हूँ। सतीत अजय है और रहेगा। तो फिर आप ही कुछ कीजिए प्रभु। धर्म से रक्षक घरों को नष्ट करने की शक्ति तो मुझ में भी नहीं। जाओ स्वर्ग लौट जाओ और विग्रह की बातें भूल जाओ। प्रभु मेरे पति को जीवन दान दीजिए। नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, इसका जीवन काल तो पूरा हो चुका है। नहीं पूरा नहीं हुआ, अभी तो शुरू होता है। इन्हें जीवन दान मैं दूंगा। दानवों के रक्षण की जवाबदारी मुझ पर है। उनके रक्षण की जवाबदारी यदि आपने संभाली होती तो आपके शिष्य की मौत ही नहीं होती। चिंता न करो देवी, जगत में मृत्यु है तो उसे पीछे हटाने वाली संजीवनी विद्या भी शुक्राचार्य के पास है। तो आप कौन से मुहूर्त की राह देख रही है आपकी विद्या? अधीर न हो, तुम्हारा पति मरा नहीं जीवित। दुबेर उठो राजन, अब नव सृजन की तैयारी करो। बोलो गुरुदेव की जय। राजन प्रजा की जय घोषणा में पहले जैसा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। प्रजा निराश हो चुकी है गुरुदेव, आखिर श्रद्धा कहां तक टिकेगी? आपने अपनी संजीवनी विद्या से हमारे शरीर में प्राण तो भर दिए, फिर भी हम जीते जी मुर्दा। बलि ये मत भूलो कि हारने में लज्जा नहीं बल्कि गिर गिर कर खड़े होने में ही जीवन है। उस जीवन में ही हमें शंका हुई है, नहीं तो जीतने के बदले हम जीते क्यों गए? मारने के बदले हम मारे क्यों गए? हम मरते रहे और आपकी संजीवनी विद्या हमें जीवित करती रहे, इससे तो हमें जीतने का रास्ता दिखाई। बलि मेरे दिए हुए तप ज्ञान और सिद्धि का परिणाम क्या ये महान निराशा? गुरुदेव कुछ नहीं कर सकता, तुम सब मिलकर एक साथ श्रम यज्ञ करो। यज्ञ में से ऐसे स्वत्व तुम्हारे हाथ लगेंगे जिनसे स्वर्ग का द्वार खुल जाएंगे। सेनापति आज्ञा महाराज। आज से घोषणा कर दो कि श्रम के बिना खाने वाले मनुष्य चोर हैं। श्रम किए बिना सोने वाला मनुष्य देशद्रोही है। श्रम जिसका दूसरा नाम है यज्ञ, इसलिए यज्ञ करो यज्ञ करो। बलिराज इस अखंड यज्ञ में अब अंतिम आहुति दो,
प्रजा परिश्रम का फल देखना चाहती है। झंडे को अजर अमर बनाने के लिए मैं अपना प्राण दूंगा। इसे इंद्र की इंद्रपुरी पर लहराऊंगा। इसकी छाया के नीचे समानता और मानवता के आधार पर सर्वोदय के नए युग की रचना की प्रतिज्ञा करता हूं। कर्मवीर, ये लो वैजयंती माला। ये माला कभी मुरझाती नहीं। जब मुरझाने लगे तो समझ लेना तुम्हारा राज, तुम्हारी सिद्धियां धूल में मिल जाएंगी। लो ये दिव्य शंख और बजाओ इसे अपनी पूर्ण शक्ति से। इसके स्वर से स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। इंद्र का इंद्रासन कांप उठेगा। देवराज, देवराज, जरा इधर तो देखिए। तिलोत्तमा, नारद जी से कह दो कि इंद्र की आंखें केवल नक्ति का नाश देखने के लिए बनी, नारद जी को देखने के लिए। ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे विनाश की घड़ी बोल रही है। तो आप विनाश की बातें करने आए? जेवर जेवर करती थी ना, ये लो उर्वशी का हार, रंभा की करधनी और मेनका की झांझर। जन 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 जन, अब तो राजी हो ना, चलो मेरे साथ। पहले अपना घर तो बसाइए। मुझे तो ऐसा घर चाहिए जहाँ थाली सोने की, कटोरी सोने की, खिड़कियाँ सोने की, दरवाजे भी सोने की। जिधर देखो सोना ही सोना हो, तब घर में आने का मन हो। आज इतना हुआ है, कल और भी हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये बनावटी गहने कहाँ से लाया? बनावटी नहीं, ये अप्सराओं के असली गहने हैं। मुझे गहने नहीं चाहिए, ये सामान सोना चाहिए। निकलो, निकलो। ठीक, इस बार सोना बनाने की कीमियां लेकर ही आऊंगा। भूत पिशाच पूजूंगा, मसान जगाऊंगा, पर कीमियां जरूर लाऊंगा। अरे रहने दो, निकलो। देवी, तुम्हारे चरणों में त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ वैभव और मस्तक पर सुंदर स्वर्ग के फूलों की बहनी, कहो और भी कोई इच्छा बाकी है? एक वस्तु तो सदा बाकी ही रहने दीजिएगा। वो क्या है? अभिमान। विजय और वैभव अकेले नहीं आते, साथ साथ अभिमान को भी लाते हैं। अभिमान को यहाँ आदर सत्कार नहीं मिलेगा, यहाँ तो गर्व की जगह गौरव होगा और प्रजा को सुखी करना ही मेरा धर्म रहेगा। महाराज, दानव सेनापति जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार का मनोरंजन समझ रहे हैं, हमारे अलंकार लूट लिए गए हैं, अब हमारी लाज भी लूट ली जाए, इससे पहले हमारी रक्षा कीजिए महाराज। अत्याचार और जुल्म का इससे बढ़कर और कौन सा सबूत हो सकता है महाराज? तुम्हारी रक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया जाएगा। दासी जी महाराज, इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। दानवों के स्वभाव में धन पर रची हुई संस्कृति के गुण नहीं है, इसीलिए दानव लोग बार बार जीत कर भी हारते हैं। इस दानवों के हाथ से जीत चली गई तो
बलि की इज्जत भी चली जाएगी। तो जीते हुए प्रदेश का कोना कोना सुरक्षित कर जिसे जो चाहिए वो दीजिए। ऐसा ही होगा, अत्याचारी दानवों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। शमशेर से जीत हो सकती है, परंतु जीत को निभाने के लिए प्रजा का हृदय जीत लेना चाहिए, जो दानव सेनापति के लिए असंभव है। प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ता कभी नहीं टिक सकती, कभी नहीं। त्रिलोक के विजेता जीतना सरल है पर निभाना कठिन है। त्रिलोक में एक नई संस्कृति स्थापित करने का मेरा स्वप्न क्या चिकना चूर हो जाएगा। त्रिलोक विजय की कीर्ति पर अत्याचार और मनमानी की छाप लगे उससे पहले ही मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, मैं ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, मैं ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। कहां चले जाना है राजन? गुरुदेव, त्रिलोकनाथ की ललाट पर चिंता की रेखाएं क्यों, आवाज में निराशा क्यों? दानव सेनापति प्रजा पे अत्याचार कर रहे हैं, मनमानी लूटमार चला रहे हैं गुरुदेव। उस लूटमार का कारण जानना चाहते हो? कहिए कहिए गुरुदेव। लक्ष्मी, जीवन निभाने के लिए सबसे जरूरी तत्व लक्ष्मी, जो सत्ता को टिकाती है, प्रजा को सुखी कर सकती है, वो जहां नहीं होती वहां गरीबी, भीषण गरीबी। देखना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। ये देखो तुम्हारी प्रजा की हालत। बिना वस्त्र की नंगी प्रजा राजा की इज्जत को भी हानि पहुंचाती है। इसका नाम है भूख, जो शरीर को मारती है। जहां देखो वहां भिखारी ही भिखारी। इसी का नाम गरीबी, गरीबी से भूख, भूख से भीख, भीख से पतन। पहले प्रजा का, साथ ही साथ राजा। गुरुदेव, स्वर्ग की सारी लक्ष्मी मैं अब प्रजा के कल्याण के कामों में लगाऊंगा। किंतु कहां है स्वर्ग की लक्ष्मी बलिराज? स्वर्ग मिला पर स्वर्ग की लक्ष्मी नहीं मिली, इसलिए इंद्रासन केवल इंद्रजाल है। स्वर्ग की जीत में तो लक्ष्मी का भी समावेश होता है गुरुदेव। होता था पर वो तुम्हारे पास तो नहीं। भगवती लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में विराज रही है। जाओ ले आओ उन्हें। नहीं गुरुदेव, भगवान विष्णु से टकराना अच्छा नहीं। बलि, तुम्हारा और मेरा संबंध गुरु शिष्य का, जिसमें श्रद्धा को स्थान है शंका को नहीं। भगवती लक्ष्मी को ले आओ, बलजबरी से नहीं, सम्मान और आदर सत्कार के साथ। लक्ष्मी का आगमन तुम में और तुम्हारी प्रजा में नया उत्साह, नई रंगत लाएगा। जो अज्ञा देवी जगदम्बे, प्रणाम महादेवी लक्ष्मी। कौन हैं आप? मानव दानव और देव भूमि का दिग्विजयी सम्राट बलिराज। कहिए
यहाँ कैसे आए? देव दानों के युद्ध में देवताओं की हार हुई। अभिनंदन। दूर दूर से अभिनंदन देने से काम नहीं चलेगा। आपके बिना दुनिया का हर स्तर अधूरा ही रहता है। यानी? अधूरा पूरा करने के लिए आपको पृथ्वी पर पधारना ही होगा। किसी के कहने से लक्ष्मी कहीं आती जाती नहीं। मैं आती हूँ अचानक और जाती भी हूँ अचानक। बिल्कुल ठीक। मेरी दुनिया के गरीब लोग हर पल आपको याद करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना और पूजन करते हैं, फिर भी वो प्रार्थना और पूजन आप तक नहीं पहुंच पाता। कारण? कारण आपको भी गरीबों से घृणा है, किंतु आज आपको पधारना ही होगा। जानती है ना, स्वर्ग के साथ आप भी जीती गई हैं। चंचल लक्ष्मी को कोई भी जीत नहीं सकता। मैं मन में आता है वहाँ जाती हूँ, पल भर रहती हूँ। तो किसी दिन महलों को छोड़कर गरीब के घर भी पल भर ठहरिए और देखिए वहाँ आपका कैसा सम्मान होता है। पधारिए, मैं अपने राज के एक एक गरीब की ओर से आपको आमंत्रण देने आया हूँ। किस लिए? मैं चाहता हूँ समानता, संग्रह नहीं। चाहता हूँ कि मेरे राज्य में कोई भी ऐसा घर ना हो जहाँ भगवती लक्ष्मी ना हो। घर घर घूमने का आपका आमंत्रण मैं स्वीकार नहीं कर सकती। तो फिर से आज्ञा समझिए। आज्ञा? बलिराज क्या बोल रहे हो, इसकी कोई सुध-बुध है? बेसुध मनुष्य स्वर्ग तक नहीं पहुँच सकता। स्थान का ख्याल है? स्थान? जिस स्थान पर आप खड़ी हैं वो भी पराजित है। पराजित स्थान पर विजेता का अधिकार होता है। अब कहिए क्या स्वीकार है, आज्ञा या आमंत्रण? कुछ भी नहीं। त्रिलोक का विजेता लक्ष्मी को साथ लिए बिना नहीं लौटेगा। ध्वनि कौन कर रहा है? बलि की सेना स्वर्ग की तरफ आ रही, पल भर में ही स्वर्ग की शांति युद्ध की अशांति में बदलने वाली। फिर तो ये समाचार जल्दी से जल्दी सुरेंद्र को पहुंचाना चाहिए। वो तो स्वर्ग का सिंहासन नाचने वाली की ताल पर निछावर कर चुके हैं। अब भी समय, जाइए और उन्हें समझाइए। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ। कौन ऐसी उग्र शंख ध्वनि कर रहा है? ये ध्वनि दानवराज बलि की है। आपकी हार अब घड़ी दो घड़ी की ही बात है। इंद्र की हार, इंद्र की पराजय? मैं सच कह रही हूँ नाथ, अभी समय है, हंसना छोड़कर हथियार उठाइए। कहाँ है मेरा वज्र? देवताओं, स्वर्ग तक दौड़े आए हुए दानवों में से एक भी जिंदा बचकर जाने न पाए। इंद्रराज, अंतःकरण से अभिमान और अंग पर से अस्त्र अलग कर दो। अस्त्र तो दुश्मनों का सर धड़ से अलग करके ही अलग होंगे गुरुदेव। जिद भले करो परंतु जीत किसी प्रकार भी नहीं होगी। ऐसी अमंगल भविष्यवाणी का कारण? कारण तुमने समय की अवहेलना की और उतने ही समय में बलि तैयार हो गया। इंद्रराज, जो समय को नहीं परखता वो सदा ही पछाड़ खाता है। समय तो शूरवीरों के अधीन रहता है गुरुदेव। सभी समय के अधीन है ये समझने के लिए अब ज्यादा समय नहीं रहा। अब क्या करना चाहिए, आप भी कोई मार्ग बताइए गुरुदेव। बलि की सेना स्वर्ग की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। अब तो केवल दो ही मार्ग है। कौन से? एक तो बलि की शरण हो जाना और दूसरा स्वर्ग छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान में बैठकर अच्छे समय की राह देखना। नहीं नहीं, मुझको ये मंजूर नहीं। सूर्य का कहना मान लीजिए इंद्रराज। कदापि नहीं। युद्ध से अमरावती का नाश हो जाएगा। किसमें इतनी शक्ति है कि मुझसे मेरी अमरावती छीन ले? और तुम किस लिए डरते हो? तुम तो अमर, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम्हें कोई नहीं मार सकता, मरोगे नहीं पर जीते जी मुर्दों की तरह रहोगे। पराजित होकर जीना और मरना बराबरी है। बलि का समय बलवान है और तुम लोगों का समय विपरीत। मान जाइए इंद्रराज, नहीं तो हमें मनमाना मार्ग लेना पड़ेगा। फिर तो दुश्मन के अधीन होने से समय के अधीन होना अच्छा है। समय सुधरते ही स्वर्ग पा लेना दो घड़ी का काम है। नारायण नारायण। अच्छा तो चलो कहीं भाग चले। Thank you.
देखकर आज आप लोगों के स्वामी बन गए, फिर भी आपके मुख पर उदासीनता क्यों? इसलिए इंद्रासन आसानी से मिल गया। मेरी तलवार तड़प रही थी इंद्र के वज्र से टकराने के लिए, किंतु का इंद्र भाग गया। आज से इस लोक का राज धनों का है, स्वर्ग के चप्पे चप्पे पर अपना अधिकार जमा लो। यही है वो इंद्रासन जहां हमारी गुलामी की जंजीरें खड़ी जाती थी। महाराज गिरिराज की जय। आपके चरणों में अपना सर झुकाती है महाराज। स्वर की अपकराओ, मांगो जो मांगना हो मांगो। हमें और कुछ नहीं, केवल आपकी कृपा चाहिए। मांग मांग कर मांगी तो गुलामी ही मांगी। कुछ ऐसा मांगो कि मांगना भी शोभा दे और देने वाले को भी देना अच्छा लगे, तो वही दीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूँ। देवों के अधिकार में पड़े हुए तुम्हारे कंठ और कला को आज से मुक्ति दी जा रही है। आज से स्वर की अप्सराएं किसी के अधीन नहीं। तुम सब आजाद हो महाराज। सत्ता के भूखे देवताओं को तुम लोगों ने आज तक राजी किया, अब स्वतंत्रता को चाहने वाली मेरी प्रजा का भी मनोरंजन करो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, ये इंद्र की पत्नी इंद्राणी शची है। जानते हुए भी तुमने ऐसा बर्ताव किया? महाराज, इंद्रासन का जो मालिक होता है उसी की ये पत्नी बनती हैं। ऐसा चला आता हुआ रिवाज है। सॉरी, ये देवताओं का रिवाज है। किंतु स्त्री का सम्मान, स्त्री का रक्षण, ये दानवों का रिवाज है। देवी, आप निर्भय रहिए। विंध्यावली, इंद्राणी की सेवा का भार अब तुम्हारे सर है। जो आज्ञा महाराज। विजय का मत इतनी जल्दी चढ़ गया कि अपने आप को भी भूल बैठे। भूल हुई महाराज। तो दूसरे ऐसी भूल ना करें, इस बात का ध्यान रखो, बलि के राज में अन्याय ना होने पाए। भाइयों, अब स्वर की एक एक अप्सरा आपकी सेवा में हाजिर है। महाराज का हुक्म है, चलो नाचो, प्रजा का मनोरंजन करो। तुम लोग बलिराज की आज्ञा का गलत अर्थ कर रहे हो। तो हम लोग अपना घर बार छोड़ छाड़ स्वर्ग में क्या करने आए हैं? चलो चलो नाचो, नहीं तो ये देखो। लगा कौन सा सजी नस नस में नहीं, अजी आज मेरा मन मेरे बस में नहीं। लगा कौन सा सजी नस नस में नहीं, अजी आज मेरा मन मेरे बस में नहीं। मैंने देखा ही नहीं कब सवेरा हो गया, मेरे कानों ने सुना कोई मेरा हो गया, हाय मेरा हो गया। हुआ आज जो 16 बरस में नहीं, अजी आज मेरा मन मेरे बस में नहीं। लगा कौन सा सजी नस नस में नहीं, अजी आज मेरा मन मेरे बस में नहीं। Oh
पड़ो मिला चांद मुझे सितारों के पीछे क्यों पड़ो लगाए थे दिल हजारों के पीछे क्यों पड़ो तुम लाखों में एक पांच दस में नहीं अजी आज मेरा मन मेरे बस में नहीं लगा कौन सा नशा जी नस नस में नहीं अजी आज मेरा मन मेरे बस में नहीं चलो चांदनी में हम आँख मतोली चलेंगे आँखों से मन में उतरे घर से जाने न देंगे घर से जाने न देंगे होगी बात कौन सी आपस में नहीं अजी आज मेरा मन मेरे बस में नहीं लगा कौन सा नशा जी नस नस में नहीं अजी आज मेरा मन मेरे बस में नहीं आपको लेने आया हूँ चाहता हूं कि मर्यादा तोड़ने का प्रसंग आप मेरे लिए उपस्थित न करें बलिराज मर्यादा तोड़कर आगे बढ़ने वाले का विनाश होता है व्यवहारिक मांग को ठुकराकर विष्णु भगवान विनाश की धमकी दे रहे हैं राजन तुम स्वर्ग जीते पर विवेक बुद्धि हार बैठे विवेक समानता में है भेदभाव में नहीं आप अपनी ही बनाई हुई सृष्टि पर एक दृष्टि डालिए आपने एक को लक्ष्मीवान तो अनेक को लक्ष्मीहीन बना रखा है पांच को सुख तो 5 लाख को दुख मैं पूछता हूं भगवान ये असमानता क्यों मैंने क्या क्या किया है ये पूछने से पहले मैंने जो कुछ किया है वो समझने की कोशिश कर मैं अभिमानी को नमाता हूं नम्र को नमता हूं दुष्ट को दलता हूं और भक्त का दास बनकर रहता आपके सब देवताओं को दास बनाने के बाद मुझे और दास की आवश्यकता नहीं मुझे चाहिए लक्ष्मी लक्ष्मी सृष्टि का सबसे उत्तम तत्व है वो पुरुषोत्तम के पास ही रहता है पुरुषों में उत्तम मैं हूं त्रिलोक विजेता सम्राट परि मैं अपनी व्यवहारिक मांग का उत्तर चाहता हूं व्यवहार का उत्तर व्यवहार से चाहते हो तो ले जाओ लक्ष्मी को सिधारिये देवी जी पृथ्वी पर धन के टुकड़े टुकड़े के लिए तड़पती हुई बलिराज की दुनिया ये तो देख ली कि स्वयं लक्ष्मी जी कैसी जो आज्ञा प्रभु पर फिर आपके चरणों में कब लौट सकूंगे मेरी दुनिया में लक्ष्मी प्राप्त करने के 3 ही मार्ग परिश्रम पर पंच और भीख भगवान विष्णु जिसे चाहे चुन ले पधारिये देवी कुछ दिन भगवान को भी लक्ष्मीहीन रहने दीजिए अच्छा रहेगा बलिराज बलवान जब अभिमान करता है तब एक नन्ना सा बालक भी उसे मात कर देता है जैसी ईश्वर इच्छा चलिए देवी विजय के मद में भान भूला पामर जननी आपके पवित्र चरणों ने हमें पावन कर दिया आज हमारा जीवन धन्य हो गया है किंतु स्वभाव के अनुसार फिर कहीं अचानक लोप ना हो जाना देवी मुझे यहाँ रखकर क्या करोगे मैं आपको इस महल की 4 दीवारी में नहीं रखना चाहता तो कहाँ रखोगे निर्धनों के झोंपड़ों में किसानों के खेतों में भूखे मजदूरों की दुनिया में मैं चाहता हूँ अलों के पसीने की एक एक बूंद में आप अपनी समान दृष्टि रखते तुम अपने राज के एक एक घर को लक्ष्मी वाहन बनाना चाहते हो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके बिना जीने वालों का जीवन कैसा है और जहाँ जहाँ आप नहीं हैं, वहाँ वहाँ आपकी स्थापना करना चाहता हूँ नहीं तो आज की प्रजा राजा को स्वार्थी कहेगी और कल की प्रजा ये भी कहेगी कि साक्षात लक्ष्मी देवी को घर में लाने पर भी बलि राजा ने अपनी प्रजा को भूखी और दुखी रखा धन्य है बलिराज तुमको और तुम्हारी प्रजा कल्याण की भावना को लक्ष्मी आज लोक हित को समझ गई है
कहो, मैं तुम्हारी प्रजा के लिए क्या कर सकती हूँ? महाराज, बाहर प्रजाजन देवी के दर्शन के लिए आतुर हैं। सभी लोग पूजा की सामग्री के साथ द्वार पर अधीर खड़े हैं। महादेवी, राजन, मानव सागर के मंथन से निकली हुई लक्ष्मी अब मानव समाज के आंगन में खेलने के लिए आतुर है। तो देवी, कल आश्विन व तेरस के दिन राजा और प्रजा भेदभाव मिटाकर एक साथ एक ही समय आपका पूजन करें, यही मेरी इच्छा। और लक्ष्मी पूजन का ये दिन सृष्टि के अंत तक धनतेरस के नाम से अमर हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तथा अस्तु। सेनापति जी, सुना तुमने? तो प्रजा को सूचना दे दो कि कल धरती के कोने कोने से नित आवाज यही आए, मेरे घर पर भी सोने चांदी की बरसा हो जाए। निर्धन की झोली घर घर बसो, लक्ष्मी माता लक्ष्मी माता, जन 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 करके दर दर तेरा पूजन, धन बरसाता भरो धनी भरो धनी, निर्धन की झोली घर घर बसो, लक्ष्मी माता घर घर बसो, लक्ष्मी माता। भूखे को भर भर अनाज दो, नंगे की तुम छुपा लाज दो, बेघर को धरती का राज दो, दुख में सुख का सजा साज दो। सावन भादो के दिन जिम से धर धर बरसो, लक्ष्मी माता भरो धनी भरो धनी, निर्धन की डोली घर घर बरसो, लक्ष्मी माता घर घर बरसो, लक्ष्मी माता। प्रीत निभाते न्याय नीति की रीत निभाते, सुख में भी सच्चे रह जाते, मुझसे वही सदा धन पाते। ओ, इतना कर लो तो बन जाए भीख मंगा भी दानी दाता। मानेंगे हम बात तुम्हारी, करो चांदनी रात हमारी, करो चांदनी रात हमारी, चांदी के पूनम में चमके तारे जैसे सब नर नारी, तारे जैसे सब नर नारी। आंगन आंगन नाचो छप्पर छप्पर बरसो, लक्ष्मी माता भरो धनी भरो धनी, निर्धन की झोली घर घर बरसो, चाचा भरो धनी भरो धनी, निर्धन की झोली घर घर बरसो, लक्ष्मी माता 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 घर घर बरसो, लक्ष्मी माता। बार पृथ्वी पर उतारने वाले वीर अब अपनी वीरता और विजय का एक ऐसा उत्सव मनाओ जिसे संसार ने न कभी देखा हो न जाना हो। सकता है गुरुदेव, सृष्टि की उत्पत्ति से आज तक अधियारी रही हुई आमावस की रात को उजियारी बना दे ऐसी दीपावली, दसों दिशाओं में प्रकट कर दो दीपावली। हाँ, मनुष्य मात्र के हृदय में से भय शोक और निराशा का नाश कर दे ऐसी दीपावली, जो राजा और रंग
सबके यहाँ समान भाव से मनाई जाए, ऐसी दीपावली जो दिवाली के नाम से अमर हो जाए। तो अमर होने वाली उस दिवाली का प्रथम दीपक यह है ज्ञान दीप, अज्ञान का अंधकार दूर करेगा। और यह है आशा दीप, संसार में शुभेच्छा और एकता का संदेश पहुंचाएगा। अमर होने वाले आशा और ज्ञान के दीपक, जाओ एक या अनेक होकर त्रिलोक का अंधकार और अज्ञान दूर कर दो। किसी बात की कमी नहीं होगी। ऐसा ही होगा, यज्ञ का आरंभ अवश्य होगा, तभी विजेता बलि महादानेश्वर कहलाएगा और सब भूमि शुक्राचार्य शिष्य बलि की होगी। भूमि का पालक होकर पालन करने की बजाय उसे पचा लेने का विचार कर रहे हैं राजन? नहीं महारानी, बलि के राज्य में न्याय होगा। तो अश्वमेध यज्ञ बंद कीजिए, दूसरों की स्वतंत्रता छीन लेने में न्याय नहीं है। अश्वमेध यज्ञ से तो दानवों की शक्ति की कसौटी होगी महारानी, और सबको मुंह मांगा दान देकर प्रजा के हृदय भी जीत लूंगा। सेनापति महाराज, यज्ञ की घोषणा कर दो। जो आज्ञा। सुनो सुनो ऋषि मुनियों, सम्राट बलि के अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हो रही है। पुण्य भूमि नर्मदा नदी के तट पर बलिराज अठोपहर याचकों को मुहमाना दान देंगे। प्रणाम प्रभु। पधारिए मुनिवर। आज हमें याद किया? मन में आया कि जरा देखाऊं लक्ष्मी जी के बिना मेरे प्रभु की हालत कैसी है। और मेरे बिना लक्ष्मी जी की कैसी हालत है, ये देखाए हैं मुनिवर? जी हाँ, त्रिलोक में तो सभी लक्ष्मी लक्ष्मी ही जप रहे हैं, आपको तो कोई याद ही नहीं करता। मुझे लगता है कि लक्ष्मी के बिना नारायण की कोई कीमत नहीं। और कुछ मुनिवर? और तो कुछ नहीं, केवल देवों के उद्धार के लिए कोई उपाय कीजिए प्रभु। कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है, चाहे वो देव हो या दानी। तू बलि अश्वमेघ यज्ञ करके त्रिलोक की सारी भूमि का मालिक बनना चाहता है प्रभु। सारी भूमि का मालिक बनना चाहता है? भूमि किसी की ना हुई है ना होगी, भूमि पर सत्ता जमाने वाले भूमि की गोद में ही समा गए, और भूमि तो जहां थी वही रह गई। मुनिवर, देखा है आपने भूमि का कोई चिरंजीवी मालिक? देव और दानव एक ही पिता कश्यप ऋषि के संतान, भाई भाई के युग युग के वैर को मिटाने का कोई उपाय सोचिए। अब तो देव माता अदिति के दुख की भी कोई सीमा नहीं रही। मेरे पुत्रों को स्वर्ग वापस मिले, कुछ है उपाय कीजिए। तुम चिंता मत करो, जो जिसका है वो उसी को मिलेगा। कैसे मिलेगा? बलि के यज्ञ में देवों के सुखों की आहुति दी जा रही है, सब भूमि बलि की होगी तो मेरे पुत्र कहाँ रहेंगे? उसकी चिंता भगवान करेंगे। तुम्हें कैसा व्रत करो जिससे चित्त को शांति मिले और प्रभु भी प्रसन्न हो जाए। ऐसा कौन सा व्रत है? पयो व्रत, पुत्र जन्म के लिए व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष के 12 दिनों तक केवल दूध पीकर परम भक्ति के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, ईश्वर कल्याण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
का तप अवश्य पूर्ण होना चाहिए, नहीं तो व्रत पूरा होते ही अपने लोगों का पारा बच जाएगा। इसलिए अपना मायावी जाल बिछाकर उनके व्रत को रोकना चाहिए। ठहरो, ख्याल रहे बलिराज को इसका पता तक भी न चलने पाए। दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। कहिए आपकी क्या इच्छा है? बलि के यज्ञ में मेरे संतानों के भाग्य की आहुति दी जा रही है, जो उनका है उन्हें दिलवाइए, इस यज्ञ को बंद करवाइए प्रभु। मैं निरुपाय हूँ देवी। चक्र सुदर्शन धारी निरुपाय? हाँ, बलि धर्मात्मा है, भक्त है, और सुदर्शन तो भक्तों की रक्षा के लिए बनाया गया है, इसलिए मैं दूसरे दानवों की तरह बलि का विनाश नहीं कर सकता। मैं बलि का विनाश नहीं चाहती प्रभु, देव और दानव दोनों ही मेरी आंखों की पुतलियां हैं। भाई भाई के बैर को शांत कीजिए, युद्ध से नहीं युक्ति से, शस्त्र से नहीं शांति से, बल से नहीं प्रेम से। मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ देव माता, आप निश्चिंत हो, आश्रम में जाइए। मैं वचन देता हूं कि आपके यहाँ एक ऐसा पुत्र होगा जो देव और दानवों के बीच कल्याण की कड़ी बनेगा। माता अदिति ने पुत्र को जन्म दिया। प्रभु तेरी लीला अपार है। बच्चा तो आंख और आत्मा को प्रफुल्लित कर दे ऐसा है। खिलाते खिलाते तुम उसे रुला दोगी। रोएगा तो भी रूपवान लगेगा। मैं तो इसका नाम रूप कुमार रखूंगी। रूप तो बहुतों की होता है, इसके मुंह पर तो ज्योति छलक रही, मैं तो इसे ज्योतिर्धर कहूंगी। देखा तुम्हारा ज्योतिर्धर, बड़ा होगा तो किसी को पहचानेगा भी नहीं। मुझे तो मेरा लाल इतना ही रहे यही पसंद है। मैं तो अपने बतख जी को वामन कहकर पुकारूंगी। क्यों वामन? क्यों वामन? क्यों वामन? क्यों वामन? वामन यहाँ। अच्छा अब तुम लोग जाओ, वामन जिसका है उसके पास रहने दो। Thank you.
निरंकार नाही मरे, कोई लाख लगाए जो भगवान तुम्हारे सामने तुम ढूंढो चारों। अरे मेरा वामन कहाँ गया? मैं तो उसे यही सुला के गई थी। वामन वामन, मेरे वामन को देखा आपने? ऋषि कन्या खिलाने ले गई, किंतु मैंने तो मना किया था। वामन संध्या पूछा शुक्र क्या हुआ माता जी, क्या हुआ माता जी? तुम में से कोई मेरे वामन को खिलाने ले गई? नहीं तुम माता जी, तो कहाँ गया मेरा लाल? माता जी माता जी, वो आ रहा है आपका वामन। वामन मेरे लाल, बोल कहाँ गया था? माता जी तो यही था। सच बता कहाँ गया था? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये अभी तो थोड़ा ही बोलेगा। अरे जब बड़ा होगा तो ऐसा बोलेगा, ऐसा बोलेगा के ओम ओम का फुआरा फूटे चमके सूरज सो। कौन कौन आ गया? तुम चंचल तो थी ही, अब भुलक्कड़ भी हो गई। कौन हो तुम? जो तुम देख रही हो वो दिखाई देती हो? पूछती हूँ आम और बताती हूँ हिंदी। अब तो पहचान सकोगी ना? प्रभु आप ये कैसा ढोंग? तुम्हें पाने के लिए समुद्र मंथन का परिश्रम किया, संभालने के लिए मोहिनी के रूप में प्रपंच किया, अब बाकी रही भीख, वो भी मांगनी पड़ेगी। जगत का पालनहार हाथ में भिक्षा पात्र लेगा? तुम्हारी छत्र छाया के नीचे अहंकारी बनते हुए बलि को बचाने के लिए तुम्हें भीख मांगकर भी ले जाना पड़ेगा। तो आ जाइएगा, जहाँ पर लक्ष्मी है वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौट सकता। हे प्रभु, हे चक्रधारी, यज्ञ का आरंभ होते ही तूफान, आज के मंगल प्रसंग पर ऐसा अपशुकन क्यों हो रहा है? अपशुकन डरपोक को डराता है देवी, और फिर शूरवीर के लिए शुकन अपशुकन कहता। लक्ष्मी के यहाँ होते हुए भय किसका? लक्ष्मी देवी जहाँ जहाँ अकेली रहती है वहाँ वहाँ उनका दास कर्तव्य अंध हो जाता है। यज्ञ का घोड़ा छोड़ते समय ये सब चर्चाएं बेकार है। मुझे तो लगता है कि घोड़ा नहीं छोड़ा जा रहा है, बल्कि आपका अभिमान बेलगाम होता जा रहा है। कृपा करके आप इस यज्ञ को बंद कीजिए। किंतु यह गुरुदेव की आज्ञा है महारानी। जो आज्ञा मस्तक पर चढ़ाने से मस्तक फिर जाता है, वो आज्ञा किस काम की? किसकी आज्ञा से किसका मस्तक फिर रहा है महारानी? मस्तक नहीं, महारानी का मन शंकाओं से फिर रहा है गुरुदेव। मन को स्थिर कीजिए महारानी, पति के प्रत्येक कार्य में साथ देना ही सती का धर्म है। तो क्या भूल करते हो पति को सच्चा रास्ता दिखाना सती का धर्म नहीं है? आज हम सबका एक ही धर्म है, नेता के पीछे पीछे चलना और ये यज्ञ पूरा कराना। तो अश्वमेध यज्ञ अवश्य आरंभ होगा, और उसका प्रारंभ मेरे आशीर्वाद से होने दो। मघारिये देवी, मैं तो तुम्हारी यहाँ आई चुकी, अब इन्हें आने का निमंत्रण दो तो दूसरी बात है। मेरा हृदय तो पल पल प्रभु को पुकारता है,
पर प्रभु मेरी पुकार सुने तब तो। दानवों की महिमा ही आजकल ऐसी है कि बिना बुलाए भी नारायण को यहाँ आने का मन हो जाएगा। और दानवों के यहाँ प्रभु का प्रेम भरा स्वागत भी होगा। भले पधारे भगवान विष्णु, इस समय तो आपकी कृपा चाहिए देवी। तो चलिए। चाहती हूँ आपका यज्ञ दुनिया के इतिहास में अमर हो, और किसी ने ना किया हो ऐसा दान आप करें, यही मेरा आशीर्वाद। प्रभु, मेरे पति के 100 यज्ञ पूरे कराइए। राजन, अब यज्ञ के अश्व को छोड़ दो। जाओ अश्वराज, पृथ्वी के कोने कोने में घूमो और विजय का झंडा लहराओ। चलो सभी लोग चलो, और मुंह मांगा धन दान में ले आओ, और उन झोपड़ियों को उजाड़ कर महल बना डालो। चलो आओ, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। चलो ठहरो भाइयों, आप लोगों को इस तरह दान पर जीते हुए लाज और संकोच नहीं होता? इसमें संकोच कैसा, सम्राट बलि इंद्रासन के स्वामी है, धन दान में देते हैं, ये लोग लेते हैं और उनका यज्ञ पूरा होता है। पर यज्ञ पूरा होने के बाद इन लोगों की क्या हालत होगी, इसका कुछ विचार है? अबे ठिकने, तू भी जा और चुपचाप जाकर दान ले आ। काम किए बिना जीवन निर्वाह हो ऐसा दान मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो तुम्हें क्या चाहिए? हमें चाहिए भूमि, जिससे हमारा तपोवन नया जीवन पाए। भूमि का बच्चा प्रजा को भड़काकर राजद्रोह फैला रहा है। सैनिकों, अभी मैं तुम्हें छठी का दूध याद कराता हूं। भूमि का बच्चा मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे कहाँ भेज रहे हो? मुझे नीचे खींच लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छुटाऊंगा। अरे मुझे कुएं से तो निकालो, और निकालो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे तुम तो एक बहुत बड़े जादूगर हो, अब मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, पर मेरा एक काम कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। क्या है? खास कुछ नहीं, एक मामूली सा काम है, मेरी घरवाली को मेरे घर ला दो। क्या, तेरी घरवाली को घर ला दूं? वो कैसे? बात यह है कि मेरा ससुर अपनी बेटी को मेरे घर नहीं भेजता, कहता है सवा मन सोना लाओगे तो भेजूंगा। अब मैं सवा मन सोना कहाँ से लाऊं? बस इतना ही, तो जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ, उसको हाथ लगाओगे वो सोना हो जाएगा। मैं जिसको हाथ लगाऊंगा वो सोना हो जाएगा? हाँ। क्या तुम सच कहते हो? हाँ। अब मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सोना 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 सोना। अब जिसको हाथ लगाऊंगा वो सोना हो जाएगा। सोना सोना। क्या तुम सब लोगों को सोना चाहिए था ना, तो लो आज मैं इतना सोना लाया हूँ कि तुम सारा जी भर जाए। सोना सोना सोना, आओ अंदर आओ, सोना ही सोना, सोने की चटोरियां, सोने की चटोरियां। कहो हमारा चाचा, मैं यहाँ ही हूँ और अभी तेरी खबर लेता हूँ। चाचा जी, चाचा जी, देखे तो सही, इन्होंने क्या सब किया है, जहाँ देखो तो
तरह मुझे चमड़े का जूता मारते थे, आज मैं आपको सोने का जूता दे रहा हूं। बस बस, बहुत किया आपने। आप अंदर आइए, भूख लग रही होगी आज। आइए खाना खा लीजिए। अरे ये क्या, ये वरदान है या श्राप? रोटी भी सोने की? अब क्या होगा सोना? अब मैं खाऊंगा क्या? मैं तो मर जाऊंगा सोना, कोई उपाय सोचो। हैं, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो सोना? तुम भी सोने की हो गई, तुम्हारी करनी से। मेरी नहीं, तुम्हारी करनी से। तुम ही इसके कारण हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? हे स्वर्ग के देवताओं, आज मैं अश्वमेध यज्ञ में धोखी जाती हुई सृष्टि की स्वतंत्रता को बचाने के लिए प्रयाण कर रहा हूँ। जनता, जनार्दन और जन कल्याण के इस शुभ कार्य में मेरी सहायता कीजिए। नमस्कार श्री देव। वन, आप देवताओं की भलाई के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको अपना गायत्री मंत्र अर्पण कर रहा हूं। प्रणाम पृथ्वी माता। मैं आपको शरीर रक्षा के लिए ये मुरचम देती हूँ। ये भुजदंड आपके कठिन मार्ग में आपका सहायक बनेगा। लो ये माला प्रभु, इसके एक एक फूल में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी, आशीर्वाद दो। लो एक कमंडल जगदीश्वर, इसके जल के आचमन से आत्मा का तेज बढ़ता है। कुबेर देव, कृपा करो। लीजिए यह भिक्षा पात्र, इसमें देवों का दैवत्व बल लाइएगा। सृष्टि के छत्र आकाश, मुझ पर अपनी छाया रखना। लो ये दर्प की छतरी, आपके शरीर पर इसकी शीतल छाया रहेगी। जय जगदम्बे। प्रभु, मेरी शक्ति सदा आपके साथ रहेगी। यह तुमने क्या किया, मुझे बर्बाद कर दिया। क्या हुआ, रोते क्यों हो? तुम्हें क्या मालूम मेरे साथ क्या हुआ, और तुमने कैसा वरदान दे दिया? तुमने जैसा मांगा वैसा दिया। ओ भाई, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो, मैं बोले पांव पड़ता हूँ। मुझे ऐसी कीमिया की जरूरत नहीं है, कुछ भी जादू वादू का हेर फेर कर करा के मेरी सोना को जीवन दान दे दो। अच्छा चलो। Thank you.
सोना, मेरी सोना। शंभू, सोना, सोने के लालच में अंधा होकर भटकने के बदले मेहनत करके जमीन जो तो तुम्हें जो चाहिए जमीन देती रहेगी। नहीं नहीं, लड़की को दहेज देने के बदले लड़की का दाम लेकर उसका घर संसार बर्बाद करने वालों की क्या हालत होती है, ये इस लोभी का पुतला सबको बताएगा। मैं महाराज को कहकर इस पुतले को नगर के चौक में रखवाऊंगा। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, प्रतिज्ञा करो, द्वार आया हुआ जाचक जो कुछ भी मांगेगा वो उसे अवश्य दोगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि द्वार आया हुआ कोई भी याचक खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। बजे नगारे काल के उठे कदम भौचाल के, दिखने वाला है तेरा सिंहासन रखना राजा संभाल के। बजे नगारे काल के उठे कदम भौचाल के, दिखने वाला है तेरा सिंहासन रखना राजा संभाल के। बजे नगारे काल के उठे कदम भौचाल के। हस्ती है घमंडी तेरा बल है नकली, सभी ताकतों के ऊपर जो ताकत है वो असली। अंबर में सर गरज रहे तेरे विनाश की ताल के। बजे नगारे काल के उठे कदम भौचाल के, दिखने वाला है तेरा सिंहासन रखना राजा संभाल के। बजे नगारे काल के उठे कदम भौचाल के। अब प्राण बचाने की कर ले तैयारी, तुझे भस्म करने को लपकी आज एक चिंगारी। क्यों लेता है मौत को सिर पे अपने आप उछाल के। बजे नगारे काल के उठे कदम भौचाल के, दिखने वाला है तेरा सिंहासन रखना राजा संभाल के। बजे नगारे काल के उठे कदम भौचाल के। आज शान मत दिखा दान की घड़ियां ये तूफान की, तेरे सामने आज खुलेगी झोली स्वयं भगवान की। कई भूख बन गए भिखारी भिक्षा इसमें डाल के। बजे नगारे काल के उठे कदम भौचाल के, दिखने वाला है तेरा सिंहासन रखना राजा संभाल के। बजे नगारे काल के उठे कदम भौचाल के, बजे नगारे काल के उठे कदम भौचाल के, बजे नगारे काल के उठे कदम भौचाल के, बजे नगारे काल के उठे कदम भौचाल के। समझ रहे हो राजन ये सब क्या है? नहीं गुरुदेव। अश्वमेध यज्ञ को रोक कर हमारे दान धर्म को खंडित करने की ये एक चालबाजी। चालबाजी? ऐसे शुभ काम में? करने दो, आज हमें दान करने के सिवा और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। भिक्षांडेही नाथ, देखिए तो कैसा तेजस्वी बालक दान लेने आया है। कैसा दिव्य, कैसा सुंदर, आज मेरा दान धर्म सफल हो जाएगा। भिक्षांडेही पधारिये बाल योगी, कहिए आपकी क्या सेवा करूं, किस दान से आपकी झोली भरूं? मुझे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है, फिर भी आप देना ही चाहते हैं तो बोलो।
संकोच ना करो, जो चाहो सो मांगो। तो पहले हाथ में जल लेकर देने की प्रतिज्ञा कीजिए। प्रतिज्ञा? दान ही मेरा प्राण है, तेरा सर्वनाश होगा। कुछ भी हो, दान ही मेरी सांस है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन? मैं वचन दे चुका हूं, अवश्य पालन करूंगा। मैं श्राप देता हूं, तू लक्ष्मीहीन होगा, तेरी शक्ति सिद्धि सब नष्ट हो जाएगी। गुरुदेव, ये आपने क्या कह दिया? ये आपने क्या कह दिया गुरुदेव? गुरुदेव, ये आपने क्या कह दिया? तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा रे एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। सारी धरती देख रे झोला, गगन है सारा डोल उठी है, सारी धरती देख रे झोला, गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सरबत अपना, मान ले गहना मेरा, आज लुटा दे रे सरबत अपना, मान ले गहना मेरा। मिट जाएगा फल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। मैं जानता ही था एक दिन आप जरूर आएंगे। अब मुझे जल्दी ही जन जन के फेरे से मुक्त कीजिए प्रभु। तीन लोक के बंधन में फंसे हुए राजन, आप कैसे मुक्त हो सकते हैं? अपना सर्वस्व लुटाकर संसार को देने वाले, आपको कुछ देने का लाभ मुझे भी ले लेने दीजिए। मांगिए जो कुछ भी मांगना, मांगिए प्रभु। मांगना ही पड़ेगा, आज मैं बिना मांगे आपको वापस नहीं जाने दूंगा। तो मुझे तीन पैर जमीन दे दो राजन। मांगा भी तो तीन पैर जमीन। धन और जमीन का उतना ही संग्रह करना चाहिए
जितने की जरूरत हो। जैसी प्रभु की इच्छा। महारानी, संकल्प के लिए जलपात्र लाओ। भगवान, मैं आपको तीन पैर जमीन देने का संकल्प करता हूं। जलपात्र के मुख में कुछ कचरा सा आ गया है, लाइए मैं दूर कर दूं। मेरी हाथ फूट गई, मेरी हाथ फूट गई। गुरुदेव की आवाज, गुरुदेव की आवाज। मेरी हाथ फूट गई, अंधा हो गया। आपने मेरे लिए अपनी आंख की आहुति दे दी। तुम्हें सर्वनाश से बचाने के लिए ये मेरा आखिरी प्रयत्न था। अब जो चाहे वो करो, वो करो। लीजिए प्रभु, ये है मेरा संकल्प। उठाइए अपना पहला पैर। वन विराट वामन ने पहले पग में पृथ्वी लीनी, माप दूजे पग में स्वर्ग ले लिया। बैठे जहां ब्रह्मा जी आप, धोया चरण विधाता ने, तब गंगा जी ने जन्म लिया। बलिराजा ने शीश नवाकर प्रभु का जय जयकार किया। एक पैर से पृथ्वी और दूसरे पैर से स्वर्ग नाप लिया। अब दो तीसरे पैर के लिए स्थान, तुम्हारे पास दिल भर भी भूमि बाकी नहीं रही। अब भी बाकी है प्रभु, ये शरीर भी तो मिट्टी की ही माया है। उठाइए अपना तीसरा पैर और रखिए हमारे मस्तक पर। देर न कीजिए प्रभु, आपके ही बनाए हुए हमारे मिट्टी के शरीर को अपने पैर से छूकर अजर और अमर कीजिए। उठो, तुम दोनों धन्य हो। अपना सब कुछ लुटा देने वालों का मैं आदर करता हूं। मेरा आदेश है कि अब तुम पाताल में जाकर रहो। अब हमें अपने चरणों से क्यों दूर कर रहे हो? मुझे भी तुमसे दूर होना अच्छा नहीं लगता। जाओ, मैं वचन देता हूं, आषाढ़ सुदी एकादशी से लेकर चार महीने तक मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। धन्य हो प्रभु। अब तीसरा पैर भी उठा, मेरे पति को अपने वचन का पालन करने दीजिए। चरण तीसरा बलि पर रख, पातालपुरी में भेज दिया। इस प्रकार जन जन के मुख पर बलि के यश को अमर किया। गर्व भूल कर भगत अगर मन मंदिर में प्रभु प्रेम भरे, उसके घर हरि पहरा देते, द्वार ताल का वेश धरे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भग भर दे।